हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ इंडियन का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा बफर स्टॉक एंड पीडीएस ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले होता क्या है एमएसपी परचेजेस फ्रॉम द फार्मर्स आर केप्ट एज बफर स्टॉक बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से सामान खरीदती है वो बफर स्टॉक के अंदर रख लेती है प्राइमेरिल फॉर पी डी एस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर खाना प्रोवाइड कराने के लिए या फिर अर्जेंट नीड्स के लिए जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लो आउटपुट सीजन आ गया कि एक सीजन में क्रॉप बंपर हुई अगले सीजन में क्रॉप कम हुई तो उस क्रॉप में भी बफर स्टॉक से सामान निकाल के मार्केट में फेंकेगी ताकि मार्केट के रेट काफी ज्यादा भाग न जाएँ तो पीडीएस इंप्लाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड ग्रीनस थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स तो पी डी एस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है गवर्मेंट वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके राशन कार्ड्स बनाते है और राशन कार्ड बना के उनको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वेरियस फूड आइटम सब्सिडाइज रेट पे देती है ठीक है तो लिखा हुआ सब्सिडाइज रेट सो द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव एन एक्सेस टू थिंग्स तो इनके जो जो बेसिक नीड्स हैं कुछ जैसे कुछ दालें होगी और कुछ चावल हो गया कुछ आटा हो गया वो इनको जो राशन कार्ड के थ्रू मिलता है तो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश की जाए तो जो भी गवर्नमेंट सामान खरीदती है किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उसको अपने पास स्टोर करके रख लेती है और उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करती है लो प्राइजेस पे बेचती है उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है प्लस अगर किसी सीजन में काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई किसी सीजन में बहुत ज्यादा कमी हो गई आ, आ, मतलब ऑफ सीजन गया क्रॉप के लिए या फिर एक्सेस रेनफॉल या फिर कम रेनफॉल हुई उस सीजन में वो बफर स्टॉक से सामान निकालेगी ताकि मार्केट में सप्लाई कम ना हो जाए जिसकी वजह से प्राइस शूट अप ना हो जाए तो आई होप आपको बफर स्टॉक एंड पी पीडीएस के बारे में नॉलेज होगी होगी नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन तो टिल नाउ टेक केयर हैव अ नाइस डे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब